यहाँ पे पकड़ के खींचा लो। अरे वैसे नहीं, ऐसे मुझे लड्डू बहुत पसंद है, वो भी मेही दाना का हो तो और ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं लड्डू देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज देखिए, आज रक्षाबंधन है। अकुअनी सुबह से परेशान करके रखी हुई है नए कपड़े पहनने के लिए। अभी मैं थोड़े देर पहले नहा कर आई हूँ। ये देखिए, अकुअनी तैयार बैठी हुई है। अभी अपने पापा के साथ जाएगी राखी लाने। कल राखी नहीं ला पाए, कुछ काम था, इसलिए अभी जाएगी। दोनों बहुत देर से परेशान की थी, बोले चलो पहले तुम लोग को तैयार कर दूँ, फिर अपने तैयार होंगी। अभी देखिए, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ। नहाने के बाद पूजा की हूँ, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ। दोनों ने ब्रश कर लिया है लेकिन कुछ भी नहीं खाई है, बोली राखी बांध कर ही खाऊँगी। आज मैं सोयाबीन और आलू की सब्जी बना रही हूँ, जो पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। मैं गर्म पानी में सोयाबीन पहले ही भिंगो के रख दी थी, मैं इसको थोड़ी सी ब्राउन होने तक भूंज लूंगी। मैं ही बोली कि आज अब कुर्ता और पजामा पहनी है, लेकिन मुझ पे ही भारी पड़ गया, मुझे ही आयरन करके देना पड़ा पहनने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले धो दी थी इसलिए आयरन नहीं था वो। अक्कू आ रही आरती की थाल लेकर, भैया को राखी बांधने के लिए, बहुत ही दोनों को जल्दी थी। उल्टा आरती कर रही है, तब बताएगी नहीं इधर से करो। आनी भी लाइन में लगी हुई है। भैया ने अमूल चॉकलेट दिया है, जिसका इंतजार था दोनों को। अब चॉकलेट एक ही दिन में, एक घंटे में खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा। इतने सारे चॉकलेट, एक भी नहीं बचा। चॉकलेट के रूप में अकुअनी अपना प्यार बरसा रही है आज। आज कुछ पापा का भी प्यार बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन सबको, आप लोग का भाई बहन का सबका प्यार यही बना रहे। अकुअनी भी अपने भाई को राखी बांध दी है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। तो सुबह से ही पूरी तैयारी में लगी हुई थी, कब भैया तैयार होगा तो हम राखी बांधेंगे। दोनों बांध ली, अब दोनों बहुत शांत हो गई है। अब हो गया, चॉकलेट वगैरह भी खा ली, नाश्ता सबका हो गया है, अब सबका खाना होगा। देखिए उधर रानी है, पूरा चॉकलेट खाने के बाद अब ठंडा पानी पी रही है। क्या कर रही हो नी? डीप फ्रीजर में खराब हो जाएगा, फ्रीज में रखो नीचे वाला में। अच्छा, नीचे वाला सब भरा है, सब भरा नीचे वाला। तुम भी बात करो, सबको हैप्पी रक्षाबंधन, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। अरे हमको नहीं खाना, नहीं अपने से नहीं, नहीं नहीं अवनी, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, वो भी मेही दाना का हो तो और ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं लड्डू देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अब मैं अपने ननद के घर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को राखी बनवानी है। थोड़ा लेट हो गया, बारिश हो रही थी इसलिए लेट थोड़ा निकली हूँ। मैं अपने ननद के घर पहुँच गई हूँ, यही मेरी ननद है, दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। ये ननद
मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही है। ये दोनों भाई बहन छोटे हैं, ननद से भी छोटे मेरे हस्बैंड हैं, सबसे घर में छोटे। ये अन्नी भी अपने भाई को राखी बांधी, ये ननद के लड़के हैं। पूरा खूब एंजॉय, खूब मस्ती हुआ रात में। अच्छी लगती है। देखो इधर देखो, बहुत अच्छा। देखो, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। जा सबको प्रणाम करो इधर। ये मेरे बड़े भैया जी हैं और जीजा जी हैं छोटे वाले। में पूरा खाना का मजा ले रहे हैं, कढ़ी चावल, पकौड़ी और सब्जी है। दाल चावल और एक पकौड़ी चल रही है। पकौड़ी है लेने के। चले हो गए। ये उनके ननद के बच्चे हैं, ये लोग भी खूब मस्ती हो रही है रात भर। अन्नी भी साथ में ही है, अक्कू नहीं है। रात के 12 बज चुके हैं, अभी किसी को भी नींद नहीं आई है। हम तो सो गए थे, फिर भी लोग ज़बरदस्ती मुझे जगा कर लाए। इसी तरह करते करते 1:30-2 बज गए। अभी तक अन्नी भी सबके साथ जगी हुई, अन्नी को भी नींद नहीं आ रही है। ये रेलवे स्टेशन है जहाँ मैं जियाजी को छोड़ने आई हूँ। उनको कहीं जाना था बाहर, तो सुबह का समय था तो सब बोले कि सब लोग साथ में चलते हैं छोड़ने के लिए। मैं वापस अपने घर लौट रही हूँ। बीच में गंगा जी का पुल पड़ता है, वहाँ पर थोड़ी देर रुक गई। देखिए बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। गंगा जी में तो इतना ज़्यादा पानी आ गया है बारिश की वजह से।